हेलो दोस्तों, यमी फूड में आपका स्वागत। आज हम बना रहे हैं खीर। तो खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले चावल लिए हैं। आधा कटोरी चावल लेके उसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए धो के भिगो दिया है। और साथ ही में अब हमने 1 लीटर दूध, जो कि फुल फैट मिल्क या फिर फुल क्रीम मिल्क है, उसको हमने गैस पे गर्म होने के लिए रखा है। तो ये आप इसको लगातार चलाते हुए गर्म करें और आँच इसकी आप धीमे से मीडियम के बीच में रखें। इस सावन के महीने में खीर खाना तो शगुन माना जाता है, और हम खीर ना बनाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखेंगे कि हमारा दूध उबलने लगा है। चावल डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिला लीजिए एक बार। जब चावल डाल दिए हैं तो उसी के साथ में हम चावल डालने के बाद में ही हम इसमें तकरीबन 1 चुटकी केसर डाल रहे हैं। तो केसर इस टाइम पर डालने से क्या होगा, आपके चावल जो हैं वो केसर का कलर ले लेंगे और पूरा इसका स्मेल और सुगंध और टेस्ट, तीनों चीज़ें चावल में आ जाएगी और दूध में भी आ जाएगी। खीर बनाने के लिए आप जहाँ तक हो आप फुल फैट मिल्क का ही यूज़ करें, उससे आपके खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसे बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहें, चलाते रहें, ताकि आपका दूध नीचे ना लगे। और जहाँ तक हो आप एक मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल, जब आप इसे हिलाएं तो धीमे हाथ से हिलाएं, ध्यान रखें चावल टूटे नहीं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि है हमारे बादाम की कतरन, पिस्ते की कतरन और इलायची पाउडर, तकरीबन 1 से 2 चुटकी। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसकी आंच बिल्कुल मीडियम या धीमे पे ही रखें, बिल्कुल फुल आंच पे ना पकाएं इसको। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी चावल को पकते हुए अभी 5 से 7 मिनट और हो गए हैं, अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी है। अब हमारे चावल पक गए हैं तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चावल पके हैं कि नहीं पके ये देखने के लिए आप उसका दाना दबा के देख लीजिए, अगर आराम से टूट जाए तो मतलब आपके चावल पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, तकरीबन 7 चम्मच। इसे अच्छे से हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए चीनी आपकी बिल्कुल घुल गई है। अगर आपको लगे कि खीर बहुत गाढ़ी हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। आप चाहें तो खीर को ठंडा सर्व करें या फिर बिल्कुल गर्म, जैसी आपको पसंद हो। तो आपकी खीर तैयार है। आज मैं ये खीर फीके घेवर के साथ सर्व कर रही हूँ। फीके घेवर का और खीर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। आप ये खीर अपने घर में ट्राई करें, बनाएं और अपने अनुभव शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में बता के कि आपकी खीर कैसी बनी। आपको अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एंड बाय।